तो फ्रेंड्स, अब अगली परिभाषा है द्रावकण। द्रावकण का इस्तेमाल किस लिए होता है हमें जानना जरूरी है। द्रावकण एक ऐसा द्रावकण बताया गया जिसमें गुड़ गुड़ गुंजा गोघृत मधु और टंकण ये पदार्थ बताए। द्रावकण का इस्तेमाल करके हम किसी भी रस द्रव्यों जैसे कि धातु हो गया, उपधातु हो गया, रस हो गया, महारस हो गया, उनको उनके मेल्टिंग पॉइंट से जल्दी मेल्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी द्रव्य का मेल्टिंग पॉइंट समझो 500 बता है, तो हम उसमें मूसा में वो धातु डाल के उसमें द्रावकण जैसे कि गुड़ गुंजा गोघृत मधु और टंकण ये सभी द्रव्य सम प्रमाण में डालते हैं, तो वो जो मेटल बताया गया है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो उसका उसका नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट 500 बताया है, तो वो 500 से कम ही टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। इस तरह जो द्रावक गन है, जो अपने मेटल्स रहते हैं और नॉन मेटल्स रहते हैं, ऊपर रस, महारस, साधारण रस, इनको उनके टेम्परेचर से पहले ही मेल्ट कर देता है। तो उस कंडीशन में हम द्रावक गन इस्तेमाल करते हैं। ये द्रावक गन की क्लिनिकल यूटिलिटी हो गई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कौन से पदार्थ बताए हैं एक बार हम जान लेते हैं। यहाँ पे गुड़ बताया है, गोगुड़ बताया है, गुंजा, गोघृत, गोघृत का मीनिंग होता है गाय का घी, मधु और टंकन, ये पदार्थ सम प्रमाण में हमें मूसा में लेने हैं, जैसे कि हम कौन सा भी मेटल लेते हैं उसके साथ, और उसको मूसा में हीट देनी है, तो वो सब द्रव्य मेल्ट हो जाएंगे उसके नॉर्मल टेम्परेचर से पहले। यहाँ पे बताया, देखो फ्रेंड, इससे सभी द्रुद्रव्य धातुएं शीघ्रता से पिघल जाती है। यहाँ पे इसे इसके बारे में बताया है फ्रेंड्स। तो अब आगे जान लेते हैं कि कज्जली ये परिभाषा क्या है, कज्जली के अंतर्गत क्या क्या आता है। कज्जली एक कंसेप्ट जान लेते हैं। रसशास्त्र में कज्जली का सबसे इंपॉर्टेंस बताया गया है। कौन सा भी रसशास्त्र का कल्प बनाना है फ्रेंड्स, तो हमें सर्वप्रथम कज्जली बनानी पड़ती है। तो कज्जली के मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं पारद और गंधक। पारद सम प्रमाण में और गंधक सम प्रमाण में एक खरल में लेना है फ्रेंड्स हमें, और उसको अच्छी तरह से मर्दन करना है। मर्दन कब तक करना है फ्रेंड्स? मर्दन हमें तब तक करना है जब तक उसमें कुछ सिद्धि लक्षण आचार्य ने जो बताए वो दिखते नहीं है फ्रेंड्स। जैसे कि पहला सिद्धि लक्षण बताया है उसमें निश्चंद्रत्व चाहिए, और दूसरा बताया है कि वो कज्जलाभ दिखना चाहिए, जैसे कि ब्लैकिश कलर में दिखना चाहिए। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण आचार्यों ने बताया है कज्जली टोटल बनी या नहीं, प्रिपेयर हुई नहीं, ये जांचने के लिए। तो सर्वप्रथम हम शुद्ध पारा लेते हैं, शुद्ध गंधक लेते हैं। तो शुद्ध का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? शुद्ध के अंतर्गत हमें पारद का शोधन करना पड़ता है। जैसे कि पारद का शोधन हम रसोन कल्प में करते हैं, रसोन कल्प का इस्तेमाल करके हम 7 दिन मर्दन करके पारद को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध पारद मिला हमको मिलता है। जैसे गंधक का शोधन हमें गोदुग्ध में करना पड़ता है, जैसे कि गाय का दूध इस्तेमाल करके हम, जैसे कि हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी थी कि पंचामृत और पंचगव्य गोदुग्ध वहाँ बताया था, तो वो गोदुग्ध के अंतर्गत हमें गाय का दूध लेना है फ्रेंड्स, उससे हम गंधक का शोधन करते हैं। शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक इनकी हम एक खरल में लेके उसे अच्छी तरह से मर्दन करते हैं फ्रेंड्स। मर्दन कब तक करते हैं? जैसे हमें वो उसमें चंद्रिका नहीं दिखती, चंद्रिका मीनिंग होता है उसमें शाइनीनेस हमें दिखना नहीं चाहिए, वो टोटली ब्लैकिश दिखना चाहिए। ये सब लक्षण हमें ऑलमोस्ट 120 घंटे तक मिल जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसे हम कज्जली पदार्थ कहते हैं। आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि कज्जली क्या रहती है। तो कज्जली में गंधक का प्रमाण कितना रहना चाहिए इसके बारे में भी आचार्यों ने अलग अलग मत बताया। जैसे कि हम समभाव गंधक यूज कर सकते हैं, द्विगुण यूज कर सकते हैं, त्रिगुण, षडगुण, अष्टगुण, षोडश गुण। षोडश का मीनिंग होता है 16 पट, 32 पट और 64 पट, ऐसे हम गंधक का प्रमाण कज्जली में बढ़ा सकते हैं और कज्जली निर्माण कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में क्या बता है कज्जली के रिगार्डिंग वो पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बताया है फ्रेंड्स कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक किसी धातु के साथ पारद डालकर 3-4 दिनों तक मर्दन करने से पारद गंधक या धातु का कृष्ण वर्ण का श्लेष्म चूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स। मैंने बताया कि ब्लैकिश वर्ण चाहिए, तो उसका अपने कृष्ण वर्ण चाहिए फ्रेंड्स। ओके, श्लेष्म का मीनिंग होता है कि वो पाउडर इतना फाइन चाहिए कि वो हम हाथ में लेते थे, हमारे जो रिजेस और ओरोस रहते हैं उसके अंतर्गत वो पदार्थ जाना चाहिए, उसे हम श्लेष्म बोलते हैं फ्रेंड्स, उसे हम कज्जली कहते हैं। शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक दोनों को अकेले ही अथवा कोई अन्य धातु या उपरसों के साथ पत्थर के खरल में बिना द्रव के मर्दन करने पर 3-4 दिनों में कृष्ण वर्ण का श्लेष्म सूक्ष्म काजल जैसा चूर्ण तैयार होता है, उसे हम कज्जली कहते हैं फ्रेंड्स। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि कज्जली किसे कहते हैं। यहाँ पे वर्ड्स आए हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे धातु का भी इस्तेमाल किया है। तो धातु का इस्तेमाल क्यों किया फ्रेंड्स, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं।
समझो हमें मेटल की कजली बनानी है या किसी धातु की कजली बनानी रहती है, तो सर्वप्रथम हम शुद्ध पारा लेते हैं, उसमें शुद्ध किया वाला धातु जैसे कि नाग धातु हो गया। इस अष्ट धातु में एक नाग धातु बता है, उसका शोधन करके, उसका सामान्य शोधन करते हैं और उसे शोधन करते हैं। सामान्य शोधन के अंतर्गत हम उसे तैले, तकरे, गौमूत्र और कांजी और कुड़ित काढ़ा, इसमें सात सात बार निर्वापन करते हैं। निर्वापन का मीनिंग होता है उसमें उसमें डुबाना। और विशेष शोधन जो रहता है पर्टिकुलर हर एक मेटल का और रसों का एक विशेष द्रव्य बता है, उसमें उसका शोधन करते हैं। जैसे कि नाग का बता है चूर्णोदक। चूर्णोदक क्या रहता है फ्रेंड्स? चूर्णोदक जिसमें हम चूना इस्तेमाल करते हैं और वाटर इस्तेमाल करते हैं, उससे अच्छे तरह से रात भर घुला के रख के फिल्टर क्लॉथ से फिल्टर करके चूर्णोदक ऑप्टन करते हैं। तो सामान्य विशेष शोधन होने के बाद हम नाग मिलता है, जो नाग मिलता है हमें वो हम पारद में मेल्ट करके उसको हीट दे के डालते हैं और उससे अच्छे तरह से खरल में फोर्सफुली ट्राइचुरेट करते हैं, जिसे हम मर्दन कहते हैं, ये मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग होने के बाद फ्रेंड्स हम उसमें गंधक डालते हैं। गंधक सम प्रमाण में डालना चाहिए या द्विगुण में डालना चाहिए, पार्ट के अनुसार चेंज होता है फ्रेंड्स। तो उसे हम तब तक मर्दन करते हैं जब तक वो मिक्सचर एकजीव नहीं होता, मिक्स नहीं होता, और उसमें हमें ब्राइटनेस जो शाइनिनेस जो है वो हमें दिखना नहीं चाहिए और स्लश न होना चाहिए। वो इतना फाइन पाउडर चाहिए कि वो अपने फिंगर्स में लेते हैं तो अपने हैंड्स के या फिंगर्स के जो कुछ प्रिंट्स है उसमें वो जाना चाहिए। वो हो गई धातु की कजली। इसलिए यहाँ पे आचार्य ने बताया कि कोई भी धातु रस उपरस, इसके अंतर्गत हम कोई भी रस उपरस के द्रव्य ले सकते हैं जो रसशास्त्र में बता है, उन्हें हम मर्दन करते हैं पत्थर के खरल में बिना द्रव्य, जिससे हमें लिक्विड मीडिया ऐड नहीं करना है, इसलिए आचार्य ने यहाँ पे बताया है बिना द्रव्य। इस तरह हम कजली बनाते हैं फ्रेंड्स। आपको कजली का कंसेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो अभी आगे जान लेते हैं अगली परिभाषा, जिसका यहाँ पे और एक कल्प बताया, जैसे कि मकर ध्वज निर्माण। मकर ध्वज एक कुपिपक्व रसायन है फ्रेंड्स। कुपिपक्व मीनिंग होता है कि जो मेडिसिन हम बॉटल में बनाते हैं उसमें हम उसको मृदुअग्नि, मध्यमाग्नि और तीव्राग्नि इस स्टेप में हीट देते जाते हैं। मृदुअग्नि में हम हीट रूम टेम्परेचर से लेकर 250 डिग्री तक देते हैं, मध्यमाग्नि में 250 से लेके 450 तक देते हैं, और तीक्ष्णाग्नि में 450 से लेके 650 तक हम उसे ग्रेजुअली हीट देते हैं। ये उपिपक्व रसायन बनाते समय हमें लक्षणों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कजली मेल्ट हुई या नहीं हुई, कजली मेल्ट होने के बाद कौन से कलर के अपने को फ्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, और गंधक का कौन सा कलर का हमें फ्यूम्स देखने को मिल रहा है। इस तरह मकर ध्वज के अंतर्गत पारद, गंधक और सुवर्ण, ये तीन पदार्थ या तीन कंटेंट मेन बता है। तो उसमें सर्वप्रथम हम पारद में सुवर्ण डालते हैं, उसका उस प्रोसेस को हम अमलगमेशन प्रोसेस कहते हैं। पारद और सुवर्ण मिक्स होने के बाद उसमें हम गंधक डालते हैं, उसकी कजली बना के उसे हम कुप्पी में स्थापन करके उसको हीट देते हैं। उससे जो हमें कुप्पकल्प मिलता है उसे हम मकर ध्वज कहते हैं। मकर ध्वज में ऊपर हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलता है वो ऊपर मकर ध्वज रहता है, और बॉटल के नीचे के कोने में हमें सुवर्ण भस्म मिलता है, जिसे हम सोने का भस्म कह सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह धातु की कजली के साथ हम कपिपक्व रसायन भी बना सकते हैं। इस तरह अलग अलग कल्पना भी हम इस तरह बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक बताया है फ्रेंड्स कि स्वर्णवंग का निर्माण बताया है फ्रेंड्स। तो स्वर्णवंग क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स। स्वर्णवंग एक रसशास्त्र में बताया गया कल्प है। स्वर्णवंग में पारद नहीं रहता है। स्वर्णवंग में मेन कंटेंट पारद तो रहता है मेन इंग्रेडिएंट, लेकिन स्वर्णवंग जब बन के रेडी होता है तब तो उसमें हम मर्क्यूरी डिटेक्ट नहीं करते। उसमें पर्टिकुलरली वंग धातु का इस्तेमाल किया गया है, उससे हम कुपिपक्व विधि से बनाते हैं और हमें स्वर्णवंग मिलता है। स्वर्णवंग का जो रंग है वो सोने जैसा रहता है, इसलिए स्वर्णवंग की परिभाषा है स्वर्णवंग सोने जैसे दिखता है, इसलिए उसे हम स्वर्णवंग कहते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे परिभाषा जान लेते हैं फ्रेंड्स कि अगली परिभाषा क्या है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कजली के पर्याय कुछ बताए आचार्य ने, जैसे कि आचार्य ने यहाँ पे बताया है कजली, कज्जल, कज्जलिका, ये तीन कजली के पर्याय बताए फ्रेंड्स। अब पर्याय क्लियर होने के बाद हम जान लेते हैं अगली परिभाषा, जिसे हम ढालन कहते हैं। ढालन का मीनिंग क्या है ये सबसे पहले हमें जानना इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ढालन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ढालन क्यों करते हैं, ढालन को शोधन के अंतर्गत क्यों रखा है, ढालन का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि रसशास्त्र में धातु बताए गए, जैसे सोना, चांदी, ये सब मेटल्स के अंतर्गत है। इन्हें हीट करने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर लगता है।
ये जब उनके टेम्परेचर पे जाते हैं तब तो वो मेल्ट होके अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उन हम लिक्विड फॉर्म में आने के बाद उसे हम किसी लिक्विड लिक्विड मीडिया में डिजोल्व करते हैं। उस प्रोसेस में को हम ढालन कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक डायग्रामेटिकली देख लेते कि ढालन प्रोसेस ओवरऑल कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सुवर्ण सुवर्ण धातु लिया है फ्रेंड्स। जैसे कि हमने यहाँ पे सुवर्ण लिया है फ्रेंड्स। सुवर्ण लेने के बाद हमें उसे हीट करना है फ्रेंड्स, अच्छी तरह से हीट कब तक हीट करना है, जब तक वो हमें टोटली रेड हॉट नहीं दिखता है। रेड हॉट का मीनिंग होता है कि वो मेटल जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया है। वो सुवर्ण के भी मामले में है और रजत के भी मामले में। रजत के पत्ते बनाते हैं हम और उसको हम गैस पे हीट करते हैं। जब रेड हॉट होता है उसे हम जैसे कि दूध, तेल, घी, मूत्र, स्वर, स्क्वाथ और पांड, ये जो लिक्विड मीडिया में है उसमें हर एक बार जो कुछ मीडिया बताया उसमें हम उसको ढाल देते हैं, उसे ढालन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक जैसे कि ये बर्नर हो गया फ्रेंड्स। बर्नर पे हम ऐसे बर्नर को हीट है और यहाँ पे एक मेटल है जैसे कि इसे हम सुवर्ण धातु कहते हैं फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल। और उसको हीट करने के बाद यहाँ पे एक पात्र रखना है। वो पात्र में हमें कौन सा भी एक लिक्विड मीडिया लेना, जैसे कि हम स्वर्ण का शोधन करते हैं कांचनार स्वरस में। यहाँ पे आचार्यों ने बताया है कि आप स्वरस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आचार्यों ने स्वर्ण का शोधन बताया है कांचनार स्वरस में, कांचनार पत्र स्वरस में। कांचनार एक वृक्ष है जिससे हम कांचनार का स्वरस प्राप्त करते हैं। तो जो सुवर्ण धातु है वो रेड हॉट होने के बाद हम इस लिक्विड मीडिया में उसे ड्रॉप डाउन करते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गई ढालन प्रोसेस। क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि पहले हमें सुवर्ण धातु अग्नि पे तपाना है। रेड हॉट होने के बाद उसको हम किसी उसका पर्टिकुलर शोधन का द्रव्य जो बताया है उसमें हम उसको ढाल देते हैं। जो ढाल देने की प्रोसेस उसे हम ढालन कहते हैं फ्रेंड्स। ढालन के अंतर्गत हम कोई भी लिक्विड मीडिया यूज कर सकते हैं, जैसे कि गोदुग्ध है या तिल तेल है या गाय का दूध है, गाय का मूत्र है, या किसी भी वनस्पति द्रव्य का स्वरस हो गया, या किसी भी द्रव्य का क्वाथ हो गया, किसी का द्रव्य भी फांट हो गया, ये लिक्विड मीडिया हम उस हीट किए हुए द्रव्य को ढाल देने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब ढालन के बाद अगली परिभाषा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, अवाप।